ज्ञान में दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप कल से देख रहे भी होंगे कि जब से यूपी ट्रिपल सी जेई में वैकेंसी आई है, तब से किस तरीके से इस वैकेंसी के अंदर अलग डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर घुसना चाहते हैं और वो अलाउ कराना चाहते हैं अपने आप को जेई के अंदर। मेरे भाई, अगर जेई अलाउड हो गया इसके अंदर ना, तो समझ लीजिए डिप्लोमा सिर्फ खतरे में आ जाएगा। अरे भाई, हम लोग जाएँ ही कहाँ, हम लोग एसएससी के अंदर, आप लोग जानते हो एसएससी के अंदर अभी आप देखोगे तो बीटेक ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 600 पोस्ट जो बीआरओ की आती है, वहाँ पे एसएससी जेई में के अंदर डिप्लोमा वालों को ऐसे नहीं मिलता। इसलिए अपने हक की लड़ाई है, अपना यूपी जेई में ही अपना वो है, तो इसके लिए केवल यूपी जेई ओनली फॉर डिप्लोमा यह ट्रेंड कल किया गया था, जिसमें ट्विटर एक्स के ऊपर जो आपने ट्रेंड किया था उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसीलिए अपने हक के लिए, डिप्लोमा के अस्तित्व के लिए, मेरे भाई 15 मार्च को लखनऊ जरूर आप सभी पहुँचें। लखनऊ पहुँचे, साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और ये आज नया नहीं है। जैसे ही वैकेंसी आती है कुछ शरारती तत्व अपने उठ जाते हैं और आवाज़ उठाने लगते हैं कि डिप्लोमा जेई के अंदर अपना बीटेक भी लागू होना चाहिए। मेरे भाई, ऐसा नहीं होने देना है। आपको लगता है ये नया है, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर ये क्या मुसीबत है, मुसीबत नहीं है भाई, ये हर बार ऐसा होता है, हमको हर बार लड़ना पड़ता है और हर बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिप्लोमा धारा के जूनियर इंजीनियर नियुक्ति के लिए आहार, मतलब योग्य, जे की अहर्ता इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं। हाई कोर्ट ने साफ बात यहाँ पे कर रखी है कि जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वही लोग ही जेई बन सकते हैं यूपी जेई के अंदर, जो उच्च पद वाले, उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार नहीं, जो उच्च योग्यता वाले हैं वो निचले पद के लिए दावेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उम्मीदवार को निचली योग्यता वाले पोस्ट पर आवेदन करने का अधिकार नहीं, ऐसा हुआ तभी कर सकते जब नियमों में कहा गया हो कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों में यह माना जा सकता है कि उनमें निचले स्तर की योग्यता होगी ही। मतलब अगर कोई उच्च योग्यता वाला है, जैसे कि अगर कोई बीटेक कर रखा है साथ ही डिप्लोमा कर रहा है, वो फॉर्म जरूर वो भर सकता है भाई। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सेंसियल होनी चाहिए। तो इसी सब के बात के लिए, अपने हक के लिए, यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी योगी गवर्नमेंट लॉन्च किया है पॉलिटेक्निक चलो अभियान टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन। मतलब पॉलिटेक्निक भाई, पॉलिटेक्निक में कौन करता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ही करता है। तो भाई, जो डिप्लोमा कैंडिडेट होता है वही तो जा करके पॉलिटेक्निक करता है। तो अपने डिप्लोमा अस्तित्व को खतरे से बचाना है भैया, और इसीलिए 15 मार्च को लखनऊ आना है। सभी लोग लखनऊ अभियान में जुड़ें और अपने इस ग्रुप में आप सभी लोग फ्यूचर इंजीनियर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्लब क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। वैसे तो पीडब्ल्यूडी भवन ऑफिस आना है, 9 बजे तक आपको मॉर्निंग यहाँ पहुँच जाना है। तो अपने सभी दोस्तों को ये बातें शेयर कर दीजिए, जो भी डिप्लोमा अभी कर रहा है या अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। और रही बात जो पेट वाले हैं, जो पेट नहीं दिए, मेरे भाई सबसे पहले इस बात को समझो, अगर आपकी वैकेंसी में, अगर आपके खाने में अगर कोई दूसरा शेयर कर लेता है तो आपको कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले उस बात को अलग रखो कि पेट आपने दिया नहीं दिया है, उस बात को दरकिनार कर दो। लेकिन सबसे पहला मुद्दा यह है कि यूपी जेई ओनली फॉर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ से इसके साथ अपनी शेयर सीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा खतरा रहने वाला है। बीटेक अगर आप अपनी शेयर करते हो तब दिक्कत है। तो इसीलिए ये हम लोग नहीं कह रहे, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट भी का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश, दो बार अभी ऐसा नहीं, 2013 में भी, 2016 में भी, 2018 में भी, मतलब जितनी बार वैकेंसी आई हैं हर बार ऐसा चाहा गया है कि यूपी जेई के अंदर डिप्लोमा वालों के साथ साथ बीटेक वाला भी लगा हो जाए। पर मेरे भाई ऐसा नहीं, उच्च योग्यता वाले जो है सारी बातें यहाँ पे कर रखी गई हैं। तो ठीक है, तो यही बातें आपको बतानी थी। बाकी आप सभी लोग देख ही रहोगे, काफ़ी लोग अपने घर से निकल चुके होंगे, तो अपने हक की लड़ाई है, इसको ज़रूर एक बार आप सभी लोग सपोर्ट करें, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस बात को समझ सकें कि आखिर हम क्यों आ रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा यह है कि ओनली डिप्लोमा एलिजिबल होना चाहिए यूपी जेई के अंदर, इस मुद्दे को लेकर हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट का भी यहाँ पर आदेश आ चुका है, फैसला दे चुका है कि जेई की अर्हता की इंजीनियर की डिग्री नहीं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस अस्तित्व के लिए और अपनी आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए उठानी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।